दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। नगर निगम सोलन के वार्ड नंबर 7 में सीवरेज के चैम्बर से निकल रहे गंदे बदबूदार पानी ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। लोगों ने कई बार अधिकारियों को इस समस्या से अवगत करवाया, लेकिन इसके बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि बीते कई महीनों से सीवरेज के चैम्बर से लगातार गंदा और बदबूदार पानी बह रहा है, जिसके चलते सभी को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि आसपास के घरों का सीवर की बदबू से जीना मुहाल हो गया है। उन्होंने नगर निगम सोलन से मांग की है कि जल्दी ही इस समस्या का समाधान किया जाए, ताकि आम जनता को परेशानी का सामना न करना पड़े। बोलना चाहता हूँ, वार्ड नंबर 7 में यहाँ पर कई दिनों से ये सीवरेज बंद है और यहाँ कोई देखभाल नहीं है यहाँ पर, और यहाँ पर इतनी गंदगी है उसका कोई आलम नहीं है यहाँ पर। जब से नगर निगम बना है, जब से तो और भी गंदगी यहाँ पर फैल गई है, और यहाँ पर कोई देखभाल नहीं है, और पानी भी टाइम से नहीं आता है यहाँ पर। पानी भी आएगा थोड़ा सा, 1 घंटा या 1.5 घंटा पानी आता है और पानी उसी टाइम चले जाता है यहाँ पर। इतना बुरा हाल है वार्ड नंबर 7 का। उनको जब नज़र ही नहीं आता है यहाँ पर, तो किसी को नज़र नहीं आता है यहाँ पर। हालांकि इतना बुरा हाल है यहाँ पर, अब आप बताइए क्या करें यहाँ पर। पहले ही जब नगर परिषद थी तब साफ सफाई बिल्कुल बहुत बेहतर थी यहाँ पर, और अब तो बिल्कुल ही नहीं है यहाँ। जो यहाँ पर लेडीज है जो कूड़ा लेने आती है, पर उनको भी नहीं दिखता भी यहाँ पर कितनी गंदगी है या कुछ है, पर हमारे को कंप्लेंट करने की क्या जरूरत है यहाँ पर। हालांकि उनको खुद देखना चाहिए यहाँ पर कितनी गंदगी है, कितनी कुछ यहाँ पर फैल रहा है। शहर में जो रात को झाड़ू मारते हैं उसका कोई बेनिफिट नहीं है। अब देखिए कितनी गंदगी रहती है शहर के अंदर, दुनिया भर की गंदगी है यहाँ पर। हाँ, हर एक जगह कूड़े के ढेर हैं पूरे शहर में। मैं तो यही बोलता हूँ, जो पुराने जो डस्टबिन थे वो ही अगर रखे जाए तो कूड़ा मुक्त हो जाएगा। जैसे पुरानी जो स्कीम थी वही चलनी चाहिए, ये नई स्कीम नहीं चलनी चाहिए ये, और वही पुराने जो डस्टबिन है वो रखे जाए, कूड़ा मुक्त हो जाएगा, कहीं गंदगी नहीं पड़ेगी शहर के अंदर। और कूड़ा ही कूड़ा है, डस्टबिन गैप हो गया, कूड़ा ही कूड़ा है पूरे शहर के अंदर। नगर निगम से मैं ये निवेदन करना चाहूँगा, जो पुराना जो डस्टबिन थे वही वापस रखे जाए और कूड़ा मुक्त किया जाए। सीवरेज के बारे जल्दी जल्दी ठीक हो, नगर निगम से मैं विनती करता हूँ, ये जो गंदगी है यहाँ से जल्दी जल्द ठीक हो यहाँ। इसको तो कम से कम भी ज़्यादा नहीं तो 1 महीना हो चुका है, और सारा गंद ऊपर का जितना भी है यहीं पर आता है और यहीं इकट्ठा हो जाता है ये गंदगी। यहाँ अब कोई साफ सफाई नहीं है, यहाँ खड़े अब क्या करना, रहना पड़ता है मजबूरी में। यहाँ पर कितने मकान है, कितने यहाँ लोग, कितने बच्चे चलते हैं, सारे उनके पैरों में लैट्रिन लगी रहती बेचारों के ऊपर, सारे बोलते हैं यहाँ पर भी। तो अब आप जो है यहाँ कर्मचारी जो आए वो यहाँ पर देखे यहाँ पर क्या हाल है यहाँ पर। मेरा नाम रमेश है जी। सर मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो सीवरेज का पानी है ये गंदा पानी है, लेटरिन का पानी है, ये सारा हमारे पैरों में लगता है और उसमें साथ में हमारे घरों में जाता है। ये गंदगी ख़त्म होनी चाहिए, इसकी हमें आपसे निवेदन है कि इसको आप तुरंत ठीक कराएं, आपकी बड़ी कृपा होगी। ये करीबन लगभग 1 महीना ही हो चुका है इसको, और हमारा आना जाना सबका इधर से ही है, इधर भी लोग जाते हैं, इधर भी जाते हैं, चारों तरफ का ये रास्ता है, और सबके पैरों में गंदगी लगती है। सब कहते हैं बोले ये क्या करा रखा है, क्या कर रहे हो, इतनी गंदगी करा रखी है यहाँ पे, तो ये गंदगी ख़त्म होनी चाहिए। आता है झाड़ू लगाने आती हैं, पर उन्होंने इसकी कोई शिकायत ही नहीं करी कि ये पानी निकल रहा है। कूड़ा भी लेने आते हैं, उन्होंने भी नहीं शिकायत करी है कोई। कभी कभी आते हैं, कभी नहीं आते ऐसा कुछ पता नहीं, उन्हें दिखता नहीं दिखता, वो तो ऐसे ही कूड़ा ले और चले जाते हैं, कूड़ा लेते हैं चले जाते हैं। जो झाड़ू लगाते हैं वो भी झाड़ू लगाते हैं चले जाते हैं, इसके बारे में किसी ने सोचे नहीं, देखा ही नहीं कि ये गंद पड़ रही है, गंद लग रही है पैरों को, लग रही है घरों में जा रही है। तो सरकार से यही निवेदन है कि इसको ठीक कराया जाए जल्दी से जल्द। बदबू आती है यहाँ पर, बास आती है, सफाई 15 दिन की बात करते हैं। ये बंद हो गई बेटा, वो पानी आज ये हाल हो गया, दो महीने से कहना चाहते हैं यहाँ से हटाओ बस।
हटाओ क्या है, इसको ठीक कर दो, ठीक कर दो, ठीक करो, पाइप पे दोबारा लगाओ उसको अच्छी तरह। लक्ष्मी नाले जी चौकीदार में भी नाली ब्लॉक होगी, उसके कोई भी प्रधान सुनते नहीं और सफाई नहीं करते कुछ भी उनकी नालियों को, तो ठीक है। और धोबी घाट में हमारे पैप ब्लॉक होगी, इतने बच्चे भी जाते हैं, इतनी गंदगी होगी, कोई सफाई नहीं देता करता ही, प्रधानों को बोलते प्रधान भी नहीं सुनते, और देख रहा देखने नहीं आते कभी इधर, सफाई कोई नहीं कर, कोई नहीं करता इधर, आते झाड़ू मारते हैं बस, वो चल लगते होगी कर्मचारी भी, इधर कोई भी सफाई नहीं होती, गंदगी बहुत होगी हमारे इधर धोबी घाट, प्रधानों को बोले प्रधान नखरे मारेंगे, वो कर देंगे कुछ, करते काम नहीं कराया उन्होंने, है गंदगी बहुत होगी हमारे, सात नंबर वार्ड इधर कोई भी नहीं देखता, देख देख के ऐसे भाग जाते हो भी, क्या काम करते, कुछ भी नहीं करते इधर, तो देखेंगे भाग जाएंगे, कोई सफाई नहीं है, वो इतनी गंदगी हो जाती है इधर, कौन भागते कर्मचारी, एक दिन पाइप ठीक कराने लाए वो भी भाग गए इधर, ठीक नहीं कराने, इतना पानी गंदगी होगी दुनिया होकर लैटरिन लैटरिन आ गई, और इधर गिरने का खतरा था, सारी स्मेल स्मेल आती है, दुनिया भर का कूड़ा सफाया, साफ सफाई नहीं करते हुए क्या करे जी, इसको दोबारा से अच्छी तरह बनाओ, मैं देख करता हूँ ये गंदगी ठीक करो, फायदा नहीं है, कोई कोई काम नहीं कराया, बोलो तो अपने नखरे मारेंगे, क्या करना फिर ऐसे बोल के भी क्या फायदा है, ये तो बेकार है, कुछ काम भी नहीं कराया इधर, तो इन्होंने कंप्लेंट बधेरी कराई, कई को बोला हमने सुनते नहीं, कई बार घर गए उनके मना कर देते हैं, नखरे मारेंगे, इधर बोला है क्या नाम सारे प्रधान हो गए जितने इधर सात नंबर वार्ड थे जो, ये इनको बोले ये नखरे मारेंगे, अभी टाइम नहीं, हमारे को टाइम नहीं है, फिर देखेंगे क्या काम कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो मेरा नाम है संजू। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सोलन से प्रदीप भाटिया के साथ मोहिनी सूद की रिपोर्ट।